VDX 5 BS66000। अभी ये BS6 में आप देख सकते हैं यहाँ पे EMS दिया हुआ है, ये EMS है और J1 कनेक्टर J2 कनेक्टर ऊपर में लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंजेक्टर का कनेक्टर है जो मेन इंजेक्टर गया है इसमें, चारों इंजेक्टर का जो ये मेन कनेक्टर है यहाँ पे, और इसके बगल में टेम्परेचर स्विच नीचे है। उसके बाद बूस्ट प्रेशर सेंसर है ये, ठीक है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये जो है वायर, ये कॉमन रेल का वायर है, ठीक है, जो 4 पिन का कॉमन रेल का वायर है, जो पहले 3 पिन का आता था अभी 4 पिन का है ये कॉमन रेल वायर। ये अपना इंटेक ऑक्टल वायर है ये, इस पे भी अपना ये EMS कनेक्टेड है, ठीक है। और ये EGR इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल EGR है, ये कनेक्टर है उसका। ये टेम्परेचर स्विच है और ये विस्कस फैन है, विस्कस फैन का ये कनेक्टर है ना। मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे रहा हूँ इसमें क्या क्या है BS6 में, ठीक है, क्या चेंजेस है वो बता रहा हूँ। ये भी चेंजेस है अभी इसमें, ये भी चेंजेस है, ठीक है। EMS भी यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिकल यूनिट कंट्रोल EMS ये पूरा चेंज ही है गाड़ी में, जो BS6 में अलग ही देखने को मिल रहा है। तो जब कभी कोई दिक्कत होगा तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। बाकी बात ये इंजन हार्नेस वगैरह दिया हुआ है ना, पूरा इंजन हार्नेस वगैरह दिया हुआ है ये। उसके बाद मैं नीचे से भी थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ इसका, AdBlue का टैंक, AdBlue का यूनिट वगैरह। ये फ्यूल लाइन का है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एक पाइप है वो टैंक से आया हुआ है, दूसरा जो है पंप को जाएगा, और ये जब गाड़ी भी डीजल एयर ले लिया तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, एयर निकालने का सिस्टम नहीं इसमें, क्योंकि ये BS6 है, डायरेक्ट स्टार्ट होता है, एयर का कोई संबंध नहीं है, और कंटिन्यू इसको पंप मारना है, ठीक है। और ये खोल के चेक कर लेना कि यहाँ पे फ्यूल आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये जो इंजन का मेन वायरिंग हार्नेस जो मैं दिखाया आपको, ये जो इंजन का है EMS का, और इंजन का जितना भी सेंसर है ये मेन कनेक्टर है, ठीक है, आरए कनेक्टर कैन लेन है ये पूरा, है ना। और यहाँ से भी विस्कस फैन का कंट्रोलर है, मतलब सॉकेट है यहाँ पे दिया हुआ। कॉमन रेल दिख नहीं रहा क्योंकि जगह नहीं है। बाकी बात दिखा रहा हूँ आपको, तो जैसे कि मैं नीचे घुसा हूँ, ठीक है, ये जो पंप देख सकते हैं डेंसो का दिया हुआ पंप है ना, इस पे पंप पे हाथ नहीं पहुँच रहा, वहाँ पे पंप पे ये जो एक कनेक्टर दिखा रहा है, अगर इस पे भी सप्लाई नहीं आएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। इस पे एक तो ग्राउंड आएगा, एक 12 वोल्ट का सप्लाई आएगा, 24 वोल्ट का सप्लाई आएगा, और ये वायल प्रेशर स्विच है, वायल प्रेशर स्विच है ये, ठीक है, जो BS4 में ऐसा वाला वायल प्रेशर स्विच आता था, ऐसा सॉकेट कनेक्टर था, अभी ऐसा कर दिया है वायल प्रेशर स्विच, ये भी थोड़ा चेंज है। उसके बाद देख सकते हैं ये स्टार्टर मोटर है ना, ये स्टार्टर मोटर हमारा दिया हुआ है जो 24 वोल्ट का है, और उसके ऊपर में एग्जस्ट ब्रेक दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो अल्टरनेटर है वो जापान का अल्टरनेटर दिया हुआ है, वो अच्छा से फोटो नहीं आ रहा है, मतलब वीडियो नहीं दिख रहा, पर ये अल्टरनेटर है यहाँ पे, इस पर 4 वायर रहते हैं पीछे की। आप लोग देखे हुए हैं कि हर एक गाड़ी का अल्टरनेटर का जो वायर रहता है, एक RPM का रहता है और एक अल्टरनेटर बत्ती का रहता है, पर इसमें एक सप्लाई रहेगा 24 वोल्ट का जो इग्निशन से आएगा, और एक अल्टरनेटर बत्ती रहेगा, एक RPM रहेगा, ठीक है, और एक अर्थिंग रहेगा इस पे, और एक ये मेन वायर रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा और भी कुछ दिखा देता हूँ आप लोगों को, और ये देख सकते हैं ब्रेक वायल का स्विच वगैरह दिया हुआ है, एयर प्रेशर का भी स्विच है यहाँ पे, दोनों दो ब्रेक स्विच है और दो एयर प्रेशर स्विच है, जो रियर और फ्रंट का स्विच है,
और ये BS6 में आप देख सकते हैं ये हमारा एड ब्लू का टैंक है, ठीक है, BS6 का। और इसमें जो ईस्ट लेंस सिस्टम जो साइलेंसर दिया हुआ है ये पूरा कवर है, ये तो खोल नहीं सकता हूँ, कभी इस पर भी वीडियो बनाऊंगा खोल के मैं, कभी कोई दिक्कत हुआ तो वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ BS6 का भी। और ये जो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे हार्नेस दिख रहा है, ये हार्नेस हमारा एड ब्लू डोजिंग पंप का मेन कनेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, जो आपका यहाँ पे ये देखिए एड ब्लू जो यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना, ये डीजल टैंक हो गया, है ना, ये पूरा डीजल टैंक है। उसके बाद ये एड ब्लू का टैंक है, उसके पीछे में ये डोजिंग यूनिट पंप लगा हुआ है, और ये BS6 का साइलेंसर है जो ईस्ट सिस्टम का साइलेंसर है, और यहाँ पे भी सेंसर वगैरह है, इसमें और भी सेंसर वगैरह है ऊपर में, इसके ऊपर में पूरा मशीन लगा हुआ है, लेकिन जब मैं इस पर काम करूँगा तो आपको वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। बाकी बात ये गियर बॉक्स वगैरह है, और ये हमारा व्हीकल स्पीड सेंसर है, जो गाड़ी अगर किलोमीटर नहीं चलेगा तो गाड़ी रेस भी नहीं होगा ना। उसके बाद ये बैटरी का कटोटप स्विच है, जो वहाँ पे डैशबोर्ड में रेड कलर का स्विच आता है, जो यहाँ पे एक में सप्लाई आएगा और ये यहाँ पे ऑन करेगा इसको स्विच को, तो जाके ये मेन लाइन पूरा स्विच ऑन होगा तो गाड़ी में हर जगह पावर सप्लाई चालू हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे फ्यूज बॉक्स में आते हैं, ये हमारा कैन लेन वायर है, देख सकते हैं दो कनेक्टर यहाँ पे कैन लेन वायर का दिया हुआ है ना, कैन 1 है कैन 2 है डैशबोर्ड का। और ये हमारा दो अर्थिंग दिया हुआ है, जो ये कनेक्टर है देखते हैं चॉकलेट कलर का वायर है, जो अर्थिंग है ये ग्राउंड पोजीशन, और ये सप्लाई है हमारा, ठीक है, इस पर 24 वोल्ट भी रहेगा दोनों, ये मेन सप्लाई है। अब हम आते हैं फ्रिज बॉक्स में, तो ये फर्स्ट में आप छोटा सा देख रहे हैं वेपर वाश रिले है, ये ABS यूनिट है ACM, ठीक है, ABS यूनिट ACM, इस पे दो कनेक्टर रहता है वो तो सबको ही पता है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। बाकी बात ये GPS लाइफ पैरामीटर टेलीमेटिक सिस्टम जो दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका यूनिट है जिसके अंदर एक सिम कार्ड लगता है ना। उसके बाद ये हमारा ICU हो गया, ठीक है, एक ग्रीन कलर का सॉकेट है, एक और छोटा वाला ग्रीन कलर का सॉकेट है, अगर गाड़ी क्रैंकिंग नहीं होगा तो यहाँ से आप ये सॉकेट चेक कर सकते हैं, ये छोटा वाला सॉकेट है ना, और ये नीला वाला सॉकेट भी है, तीन सॉकेट दिया हुआ है। बाकी बात यहाँ सारा रिले दिया हुआ है, EMS का रिले, पार्किंग रिले है, फॉग लैम्प रिले है, वाइपर हाई है, वाइपर लो है, बाकी बात यहाँ पे ब्लोअर का रिले है, हेडलाइट हाई हेडलाइट लो, उसके बाद ये हमारा आपका डैशबोर्ड का जो रिले सप्लाई होता है ना ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ब्लोअर रिले, सॉरी ये ब्लोअर रिले, ये पार्किंग रिले, और यहाँ पे इग्निशन का फ्यूज आएगा, EMS का फ्यूज आएगा, ACM का फ्यूज आएगा, क्लस्टर मीटर का फ्यूज आएगा, पार्किंग फ्यूज आएगा, हेडलाइट फ्यूज आएगा, और इंडिकेटर का फ्यूज आएगा, हॉर्न का फ्यूज आएगा, ब्लोअर का फ्यूज आएगा, चार्जर का फ्यूज आएगा, ये सारा फ्यूज वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ मैं BS6 का, तो कुछ भी करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्यूज चेक करना है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है या और कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पे फ्यूज चेक करें। उसके बाद पहले तो यहाँ पे भी सप्लाई आएगा, ये 40 एम्पियर 60 एम्पियर का इग्निशन का है, उसके बाद हॉर्न का, हेडलैम्प का है, हॉर्न का, चार्जर का, मेन जो सप्लाई आता है हर एक एक वर्ड का जो यहाँ से यहाँ तक के आते हैं, है ना, तो ये मेन फ्यूज है, ये इनका मेन फ्यूज है, ठीक है, ये इनका मेन फ्यूज है, जो यहाँ अगर ये भी उड़ा है तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, अगर ये फ्यूज जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगा, तो पहले इसको भी चेक कर लेना है। ज्यादातर के तो यही फ्यूज जाते हैं, छोटे वाले, बड़े वाले फ्यूज नहीं जाते हैं, है ना। और ये हमारा कनेक्टर जो देख सकते हैं व्हाइट वाला में, कभी भी कोई टूल लगाना है तो यहाँ पे भी आपको एक ग्रीन दिख जाएगा एक ठो वायर इसके पीछे में, एक रेड दिखेगा, एक येल्लो दिखेगा, एक चॉकलेट कलर दिखेगा, एक ब्लैक दिखेगा, ठीक है, तो इसपे टूल लगता है, इसपे भी इसी में खाली सिर्फ टूल्स लगता है, और ये ABS का जो ब्रेक नहीं लगता है, तो ABS जो यूनिट चेक करना है तो इसपे भी ABS का टूल्स लगता है। तो कभी कोई दिक्कत होगा BS6 में, जिस तरह मैं BS4 का वीडियो लेके आ रहा हूँ प्रॉब्लम में, उस तरह मैं BS6 का भी वीडियो लेके ही आऊंगा। फिलहाल ये गाड़ी हम इस पे एक प्रॉब्लम हुआ था कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है कंपनी से, तो थोड़ा इसको मैं सही करके दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी बहुत अच्छा गाड़ी है, बहुत ज्यादा पिकअप है गाड़ी में और बहुत बढ़िया गाड़ी है।
फोर सिलेंडर का इंजन है, VDX 5 इंजन है इसमें। बाकी बात तो आप देख सकते हैं, जो बैटरी का टॉप्टर स्विच है जो वहाँ पे दो वायर गया है, तो ये स्विच है इनका मेन, एक ABS का है और एक इको है, एक पावर का स्विच है, और ये हेडलैम्प जो ऊपर नीचे सेटिंग करना है इनका स्विच है ये, है ना। और ये हमारा BS6 का रीजनरेशन है, BS6 का रीजनरेशन स्विच दिया हुआ है जो आपको BS6 में ये दिखेगा। तो ये जो एड ब्लू का यहाँ पे दिखा रहा है, नोटेबुलेबल दिखा रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये जो देख सकते हैं BS6 का जो स्विच है रीजनरेशन के बारे में, BS6 का मैं बताऊंगा जो हर एक गाड़ी में आपको करना है। अगर ये यहाँ पे लेट जल जाएगा और यहाँ पे ये जो आप सिंबल देख रहे हैं तो यहाँ पे ये रेड हो जाएगा और यहाँ पे क्लस्टर मीटर में रेड दिखाएगा आपको। ये दिखाने से क्या होगा, गाड़ी आपका रेस नहीं होगा और 700-800 RPM से ज्यादा बढ़ेगा नहीं, गाड़ी चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि एड ब्लू जो है इसमें, एड ब्लू जो है उरिया जलने के बाद जो साइलेंसर में चोकअप हो जाता है तो वो बाहर नहीं आता है। इसके लिए ये स्विच दबा के गाड़ी को हीट करके वो जो कार्बन जलते वो बाहर निकालना पड़ता है। इसके लिए रीजनरेशन के बारे में भी मैं बताऊंगा वीडियो। बाकी बात आप देख सकते हैं, वेपर हाई लो, ठीक है। 4 पॉइंट इंडिकेटर इससे है, देखिए, है ना, 4 पॉइंट इंडिकेटर इससे है, ठीक है। फिर वेपर हाई लो का है, फिर यहाँ ये हेडलाइट का है, अपर डिपर का स्विच है, और ये सेट बटन है, कितना स्पीड में आप चल रहे हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि 40 की स्पीड में चल रहा हूँ, 60 की स्पीड में चल रहा हूँ। तो आप यहाँ पे जैसे 60 की स्पीड में चल रहा हूँ तो उसी तरह में इसको दबा के रखना है, ठीक है, दबा के रखना है, फिर 60 की स्पीड में कंटिन्यू चलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी बात इग्निशन स्विच वगैरह है, ठीक है, और ये स्केलेटर पैंडल है, ठीक है, स्केलेटर पैंडल है। बाकी बात हेड ब्रेक है ये, फिर यहाँ दो भी कनेक्टर दिया हुआ है, ये कोई संबंध नहीं फिलहाल इसका, ठीक है। और ये सबसे पहला बात तो P2P कोड आते हैं, तो ये एम्बेड सेंसर है जो यहाँ पे दिया हुआ है BS6 में, एम्बेड सेंसर। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करो, यार आप लोग देखते हो लेकिन मेरे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब तो करो कम से कम।